नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ केवल 15 साल की उम्र की लड़कियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा किसी भी उम्र का व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। आखिर क्या है इसके मंदिर के पीछे का रहस्य, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी महिमा अपरंपार है। आज हम आपको ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मंदिर केवल साल में 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ही भक्तों के लिए खोले जाते हैं। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखलाओं की घने जंगलों में स्थित है। इस मंदिर को सबरीमाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर को दूसरे बड़े तीर्थस्थल के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर की अजीब रहस्य है। ये मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, यही कारण है कि मंदिर में 15 साल से ऊपर की या 50 या 60 साल से कम की महिलाएं यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थी, इसीलिए उनके मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा को भगवान शंकर और मोहिनी के पुत्र के रूप में जाना जाता है। मोहिनी भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है, यही कारण है कि भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव, इन्हीं दोनों के नाम से भगवान अयप्पा को जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में पुरुष जाते हैं या वृद्ध महिलाएं जाती हैं या 15 साल से कम उम्र की लड़कियां ही इस मंदिर में जा सकती हैं, लेकिन वैश्विक महिलाओं का जाना इस मंदिर में वर्जित है। अगर आप भी इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको रोक दिया जाएगा। कहते हैं मंदिर में पुख्ता इंतजाम भी है और साथ ही मंदिर में जाने के लिए आईडी कार्ड दिखाकर ही जाना होता है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही खास है। अगर आपको भी भविष्य में कभी इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो चूकिएगा मत, क्योंकि कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। कहते हैं भगवान अयप्पा के इस मंदिर में जाने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, वो खुशी के साथ इस मंदिर से वापस जाता है। दोस्तों, अगर आपके भी कोई मुरादे या कोई मान्यताएं हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा। भगवान अयप्पा आपकी हर कृपा बरसाएगी और भगवान अयप्पा आपको हर तरीके से सुख समृद्धि देगा। इसलिए दोस्तों, भविष्य में कभी भी आपको इस मंदिर का दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकिएगा मत, मंदिर के दर्शन अवश्य करिएगा, आप सदा सुखी रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और रहस्यमय मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।